हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन। मैं दिव्या श्रोता। पिछले क्लास में जैसे हमने देखा था, पढ़ा था अबाउट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, तो आज हम उन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, फ्लैजेला, राइबोसोम्स, देन साइटोप्लाज्म, देन क्रोमोसोमल डीएनए, और प्लाज्मिड। तो इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, पहले चलते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल एक ऐसी दीवार है जो कि सेल के चारों तरफ सेल को घेर के रखती है और सेल को मजबूत बनाने में सेल का हेल्प करती है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है ना, रिजिड होता है, रिजिड लेयर एक फॉर्म करता है सेल पे, देन वो आपका जो सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सेल को हेल्प करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ऐसे ही सेल को बहुत कुछ चीजों से हेल्प करता है, तो सेल वॉल का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में ये टेक्निक निकाला था ऑफ ग्राम स्टेनिंग। जिसको करने से, मतलब बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन करने से पता चलता है कि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। ओके, तो बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है तो वो आपका जो कलर रिटेन करता है, आइदर मतलब कौन सा कलर रिटेन करता है, कौन सा कलर वो मतलब बैक्टीरिया होल्ड कर देता है, जिससे कि वो दो मतलब पता चलता है कि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। कैसे, ये है आपका प्रोसीजर। तो पहले क्या करते हैं हम ना, वो बैक्टीरियल स्ट्रेन को फिक्स करते हैं। ओके, एक स्लाइड में, उसके बाद उसमें हम फर्स्ट डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। ओके, ये एक डाय है, एक स्टेन है, एक कलर का, ये प्राइमरी स्टेन होता है, इसको 20 सेकेंड के लिए डालते हैं, देन उसको हम वॉश कर देते हैं। देन अगेन उसमें हम डालते हैं ग्राम्स आयोडीन, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए डालते हैं। देन वी मतलब जो ज्यादा अगर ग्राम्स आयोडीन होता है तो उसको हम मतलब पोर ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। देन हम डालते हैं एसिड अल्कोहल डीकलराइजर, उसको उस जो आपका स्मियर है उसके ऊपर हम एसिड अल्कोहल डीकलराइजर को डालते हैं, पोर करते हैं, जिससे कि आपका वो जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है। देन उसको वाटर से हम रिंस करते हैं, उसके बाद हम उसको उस स्मियर को सैफ्रनिन स्टेन से कवर करते हैं, फिर से सैफ्रनिन स्टेन डालते हैं जो कि आपका सेकेंडरी स्टेन, उसको भी 20 सेकेंड के लिए डालते हैं, उसके बाद उसको वाटर से रिंस ऑफ कर देते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। तो जो बैक्टीरिया आपका क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करता है, कुछ बैक्टीरिया आपका क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन को रिटेन करता है, कुछ बैक्टीरिया आपका सैफ्रनिन, ये है आइदर आपका पिंक और रेड इन कलर, एंड दिस इज वायलेट इन कलर एज द नेम सजेस्ट। ओके, तो जो आपका वायलेट कलर का बैक्टीरिया होता है,
वो है आपका ग्राम पॉजिटिव, जो आपका पिंक या रेड कलर का होता है वो है आपका ग्राम नेगेटिव। तो दिस वे हमको पता चलता है, हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक है ग्राम नेगेटिव, एक है ग्राम पॉजिटिव। तो ये है आपका बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। ओके, ये है आपका आपका बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बैक्टीरियोग्लाइकन लेयर्स। ओके, एंड दिस इज द एंटायर बैक्टीरियल सेल, जहां पे ये है इनर सरफेस, इनर लेयर, और यहां से स्टार्ट होता है आपका आउटर लेयर। ओके, सबसे पहले आपका कैप्सूल, देन ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ओनली प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये है आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, देन आपका साइटोप्लाज्म। ओके, जो आपका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, दीज आर लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, प्रोटीन लिंक। यह आपका प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाँ, जो कि आपके जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, लिंक करने में और होल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, दिस एनएजी एनएएम, ये है आपका जो ग्लाइकिन्स। ओके, दीज आर द शुगर्स विच आर प्रेजेंट इन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स। ओके, एनएजी है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और NAM है आपका N एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। ये आपका इंटरलॉकिंग लेयर है ऑफ शुगर्स, सो दिस इज योर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन layer which is made up of proteins and sugars. Okay, ये जो layer है आपका, ये gram positive bacteria में ये आपका layer thick होता है, means there are several layers in gram positive bacteria, but gram negative bacteria में this layer is a thin one, मतलब पतला layer होता है ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में ये लेयर थिक होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, आउटर मेम्ब्रेन। ये है आपका लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये है आपका लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, जो इनर पार्ट है इसको बोलते हैं आप लिपिड ए, जो कि है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्योंकि एंडो का मतलब है बिकॉज ये बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट है, और टॉक्सिन क्योंकि ना ये आपका जो टॉक्सिन इसलिए बिकॉज ये स्टिमुलेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा इम्यून सिस्टम को तो सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा डिजीज कॉज कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन दिस इज द कैप्सूल। कैप्सूल उन बैक्टीरियाज में होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, एंड कैप्सूल होता क्या है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ओके, which is made up of sugar coat. ये disease cause करवाता है और ये body surfaces में attach होने में help करता है। okay,
डिफरेंट बॉडी सर्फेसिस में अटैच होने में हेल्प करता है। तो ये है आपका अबाउट द सेल वॉल, हाउ द सेल वॉल एक्ट्स। ओके, ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। पहले इनर मेम्ब्रेन इनर से स्टार्ट करते हैं, इनसाइड द सेल, बैक्टीरियल सेल, साइटोप्लाज्म, देन सेल मेम्ब्रेन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन सेल वॉल। सेल वॉल में आपका होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, देन है ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जो कि इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, और ये जो सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपका थिक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, एंड थिन होता है, जो थिन होता है, थिन लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, एंड दिस इज द कैप्सूल जो कि प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरियाज में जो कि डिजीज कॉज करवाते हैं, बिकॉज ये एक शुगर कोट है और ये डिजीज कॉज करवाने में हेल्प करता है, एंड देन बॉडी सर्फेसिस में अटैच होने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। तो वहां जैसे हमने पढ़ा अबाउट सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब डिटेल में सेल वॉल का स्ट्रक्चर में आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, देन आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन कैप्सूल होता है, वो सब पढ़ा। अब देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये है आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, यहाँ पे ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका ग्लाइकन लेयर, ये सेल वॉल। ओके, तो ये तो डिफरेंस है, इसके बीच में ये है आपका पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ओके, एंड दिस इज द सेल वॉल। ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस, कि इसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है थिन, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है थिक। ओके, थिक लेयर होता है। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ई कोलाई, ओके, एशेरिचिया कोलाई, देन इसका है स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये क्या है। ओके, हमने पढ़ा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बारे में, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी नो अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये जो मैंने बोला ये सेल वॉल है, दिस एंटायर थिंग इज सेल वॉल। ओके, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, एंड जो ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये क्या है ना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो स्पेस है इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, देखा जाता है, जो कि होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बीच में। तो ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें जो कि प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस जो फ्लूइड इस स्पेस के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम पेरिप्लाज्म। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जहां पे खत्म हुआ उसके बाद आपने देखा क्या है ना, द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है एक सेल के लिए ना, सेल मेम्ब्रेन आपका साइटोप्लाज्म को रिटेन करता है, मतलब साइटोप्लाज्म के चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन फॉर्म होता है वो है सेल मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और किस लिए हेल्प करता है ना, एक वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, मतलब इट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ना वो सिर्फ कुछ ही आयंस मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए। ठीक है, जैसे जब सेल न्यूट्रिएंट अपटेक करता है कि वेस्ट रिलीज करता है, तो सिर्फ कुछ ही आयंस को या मॉलिक्यूल्स को जो कि इम्पोर्टेंट है सेल के लिए, सिर्फ उन्हीं मतलब उनको अलाउ करता है पास करने के लिए। ठीक है, सेल के अंदर एंड सेल के बाहर मूवमेंट में जो मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है टू पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक हो रहा है या वेस्ट रिलीज हो रहा है, ये सब के लिए जो आयंस एक्सचेंज, आयंस या मॉलिक्यूल्स को पास मतलब पास करने दे रहा है आइदर इन और आउट ऑफ द सेल, इस सब मतलब चीजों के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर यूज लाइक न्यूट्रिएंट अपटेक, देन वेस्ट एक्सक्रीशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जनरली इन चीजों के लिए आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब जो टास्क होते हैं, जो इन सब टास्क के लिए वो सेल मेम्ब्रेन आपका हेल्प करता है। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उनका लोकेशन साइट भी है, मतलब दोस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, लाइक रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फोटोसिंथेसिस, इन सब के बारे में हम बाद में कंसेक्यूटिव क्लासेस में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब के लिए हेल्प करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए सिलेक्ट करके आयंस या मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है, देन ये सब प्रोसेसेस का मेन लोकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो और कितने सारे सेल्स हैं, मतलब इवन आवर बॉडी इज हैविंग सो मेनी सेल्स राइट, तो प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में, वैसे ये तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इवन हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, तो एवरी लिविंग सेल इज हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ओके, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए द मेन मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की ओर। तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जहां पे ये है आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स
ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये इसमें आपका, अगर हम इस एक सेक्शन को जूम करके देखते हैं, मतलब एनलार्ज करके देखेंगे, तो ये क्या स्ट्रक्चर है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये है आपका पोलर एंड, ये है आपका नॉन पोलर एंड। और ये है पोलर एंड, ये जनरली है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ओके, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, एंड ये है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब विच इज स्केयर्ड ऑफ वाटर, स्टेज अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर रहता है और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ओके, द वाटर लविंग पोलर एंड नॉन पोलर एंड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों कि ना जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसका एक एंड आपका पोलर एंड है और एक एंड है आपका नॉन पोलर। जबकि अगर हम लिपिड को ले तो लिपिड जनरली नॉन पोलर होता है, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं करता है, बट दिस इज योर, दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, एम्फीफिलिक इन नेचर, फिलिक इन नेचर। ओके, अब चलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की तरफ। ओके, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन में लूजली अटैच्ड है, मतलब ज्यादा, मतलब अंदर की तरफ अटैच नहीं है, लूजली अटैच्ड है। ओके, तो ये हेल्प करता है आपका एंजाइम्स, एंजाइम्स में, एंजाइम्स एक्टिविटीज में, देन रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड कर देता है, मतलब जब कोई रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या करता है ना, वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, मतलब वो रिएक्शन होने में जल्दी जल्दी कर देता है। ओके, जल्दी जल्दी वो रिएक्शन हो जाए तो वो हेल्प करता है। ओके, देन वी हैव दिस इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्यों जरूरत है? इंटीग्रल प्रोटीन जनरली आपका मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर सेल को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो पास नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो वो पास कैसे होगा? वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका इंटीग्रल प्रोटीन का हेल्प लेगा, एंड इंटीग्रल मॉलिक्यूल के अंदर जाके इट कैन पास थ्रू एंड गेट इन टू द सेल। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, द साइज ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज वेरी बिग, सो इसीलिए वो जनरली पास नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो इंटीग्रल प्रोटीन का हेल्प लेके इटली पास थ्रू एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल के अंदर एंटर कर सकता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया का शेप डिफाइन करने में हेल्प करता है,
मतलब बैक्टीरिया कौन से शेप का हो, तो द सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग दैट. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी जाएंगे. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.